अब मोहन भागवत का और राज नहीं चलेगा, मनुस्मृति का और राज नहीं चलेगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी कहा था 21वीं सदी SC OBC माइनॉरिटी की है, तो वो बाबा साहब की भविष्यवाणी को ही बता रहे हैं। मेरे को भटकाओ मत, ना तो हिंदू मुस्लिम में भटकूंगी, ना फ्लाइंग किस में भटकूंगी, ना स्मृति ईरानी जी ने जो है अपनी सहेली का पति भगाया उसमें भटकूंगी, और ना उसकी बेटी जो है शराब घोटाले में जो है पकड़ी गई और उसको बचा लिया गया। आप फूलन देवी बन चुके हैं कि जैसे फूलन देवी ने एक सप्ताह उसके साथ गैंगरेप होते रहे लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, उसने आत्महत्या नहीं करी। अब हमारी उससे बुलंद हो गए, हमारे कोई कोई हाथ लगाएगा हम उसको मार के छोड़ेंगे। ये जो है सही को तो गलत बताते हैं और गलत को सही बनाते हैं। सावित्री बाई फूले शिक्षा की क्रांति है, लेकिन वो बताते जो है सरस्वती को है, ठीक है। अब लक्ष्मी जो है आती है, कहते पैसा आता है मेहनत से और टैलेंट से, साइंस से, विज्ञान से, हुनर से, लेकिन ये कहते हैं कि लक्ष्मी की पूजा कर लो तो पैसा आ जाएगा। भाई SC ST OBC माइनॉरिटी और महिलाएं तो खासकर, ये पशुओं से भी बदतर है। जैसे एक गाड़ी के नीचे पशु आ जाता है, उसके मरे और जिए का कोई ध्यान नहीं रखता है। अब हमने शिक्षा के लिए आवाज़ उठाई, हमें सस्पेंड कर दिया गया। कलम कसाई है, ज्योतिबा फूले ने खुद कहा था कलम कसाई बैठे हुए हैं। ये वो देश है जहाँ पर संविधान अभी लागू हुआ है, तो सिर्फ स्वर्णवादियों के लागू हुआ है। हमें तो अब जाज भी मनुस्मृति के तहत ही उसी तरीके से हमारा शोषण हो रहा है। और जो है ना, हम अभी ज्योतिबा फूले के, सावित्री बाई फूले जी की वजह से अभी हमें पढ़ने लगी हैं, फिर जो है आरक्षण की वजह से, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की वजह से, शाहू जी महाराज की वजह से जो है हम थोड़ा सा आरक्षित होकर सीट नौकरियों में आई हैं, थोड़ा सा आर्थिक रूप से संपन्न हुई हैं हम, और अब हमने इतिहास जाना है तो थोड़ा समय तो हमें भी, हम जो है ना एकदम से हिंसात्मक रूप नहीं देना चाहते, क्योंकि हम जननी, हम जो है जन्म देने वाली हैं, हम मृत्युदाता नहीं बनना चाहते। लेकिन अगर हम 5 साल का और मोदी जी को समय दे रहे हैं, योगी जी को समय दे रहे हैं कि या तो सुधर जाओ, मोहन भागवत के हाथ की कठपुतली मत बनो, मनुस्मृति को लागू मत कर, या समझ जाओ, नहीं तो सावित्री बाई, जलकारी बाई और फूलन देवी से इस देश को रोकने चाहिए कि भाई देखते हैं संविधान बदलना चाहिए। जितना ये संविधान बदलने की बात कह रहे हैं उतनी ही कैडर नीचे फैल रहा है कि संविधान बचा लो। फूलन देवी की जयंती पहले नहीं मनाते थे लोग, अब मनाए जा रहे हैं कि देखो एक फूलन देवी थी, अब 3 बन गई हैं, अब बचा लो इनको, संविधान की प्रस्तावना को पढ़ाओ हर जगह, हर घर में बताओ कि हिंदू मुस्लिम का दंगा नहीं है, प्रधानमंत्री कभी भी जो है मुसलमान नहीं बना। अगर तुम्हें असली डर है तो मनुवाद से डर है, मनुस्मृति से डर है, स्वर्णवादियों से, पूंजीवादियों से डर है। SC ST OBC माइनॉरिटीज की यूनिटी होनी चाहिए आने वाले टाइम में, हालात देखते हुए, जैसे अभी आपने कहा। बिल्कुल बन रहे हैं, हर जगह बन रहे हैं। पहले जो है SC जो है OBC के यहाँ नहीं जाता था, इतनी घाई जो है खाई ब्राह्मणवाद ने पैदा कर दी थी। लेकिन अब आप देख रहे होंगे कि SC ST OBC माइनॉरिटी मिल के सारी मीटिंगों में बैठ रहे हैं, ठीक है। हर जो है अंतर जातीय विवाह जो है अब हो रहा है, मंचों का साझीकरण हो रहा है। राजधानी में ये नजर आ रहा है, क्या गांवों में भी इस तरह के कैडर चल रहे हैं जैसा आप कह रही हैं, की बातें चल रही हैं? बिल्कुल कैडर चल रहे हैं, और लोग अब सरकारी नौकरियां छोड़कर इसको कैडराइज कर रहे हैं। क्योंकि पहले मैं ग्वालियर में गई थी, ग्वालियर का युवा भी अपने हक मांग रहा है। अच्छा, मैं गवर्नर कहाँ हूँ? 52% OBC है, गवर्नर कहाँ है? SC ST जो है 22.5% है, इसके 22.5% गवर्नर कहाँ है? हमारे प्राइवेट ठेके कहाँ हैं? हमारे जो है एजुकेशन इंस्टीट्यूट हमारे क्यों नहीं बन रहे हैं? और जो है हमारी जो है ना जंगल जमीन पर जो है पूंजीवादियों का कब्जा क्यों हो रहा है? हमसे जो है हमारी सरकार जो है छीन लेती है जमीन और इनको दे देती है, सब समझ रहा है अभी। बनेगा क्यों नहीं बनेगा? अब जो है अंबेडकरवादी, अब जो है बुद्धिस्ट, जो है बुद्धवादी, अशोक मौर्य वंशी, ये सारे जाग गए हैं अब, ठीक है। महाशक्तिशाली बनने जा रहा है, बनेगा। अब युवा जाग गया इस देश का, इस देश की महिलाएं जागने लग गई। जब युवा और महिलाएं जिस देश की जागने लग जाए उस देश को शक्तिशाली बनाने से कोई नहीं रख सकता। मोदी जी ये कह रहे हैं कि मुझे दिख रहा है अब हमारा राज और नहीं चलेगा, अब मोहन भागवत का और राज नहीं चलेगा, मनुस्मृति का और राज नहीं चलेगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी कहा था 21वीं सदी SC ST OBC माइनॉरिटी की है, तो वो बाबा साहब की भविष्यवाणी को ही बता रहे हैं कि जिस तरीके से इनकी महिलाएं खुल खुल के आ रही हैं, खुल खुल के बातें रख रही हैं, सावित्री बाई, जलकारी बाई, फूलन देवी इनमें नजर आ रहा है, तो इस देश को विकसित होने से कोई नहीं रोक सकता।
2024 में 140 करोड़ जनता उनके साथ है, 140 करोड़ जनता। देखिए ये उनका डर बता रहा है, डर देखिए आपने समझ देखा होगा, जिसकी 10 साल तक सत्ता रही हो उसे अलायंस करना पड़ रहा है, उसको अलायंस करना पड़ रहा है, यानी तुमने कुछ किया नहीं तो अलायंस करना पड़ रहा है उसको, और इसीलिए उन्हें कहना पड़ रहा है मैं आ रहा हूँ मैं आ रहा हूँ मैं आ रहा हूँ। किसी को जो वो आ रहा हो तो उसे कहने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही आ जाता है, उसका डर है कि भाई हम जा रहे हैं। लाल किले से कह रहे हैं ना मैं तो परिवारवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ हूँ। अच्छा तो फिर अमित शाह का बेटा जो है हिंदू मुस्लिम के मुद्दे में बैकवर्ड को मरवा रहे तुम, अमित शाह का जो बेटा है उसको तुमने क्रिकेट उसमें जो है अध्यक्ष बना दिया तुमने जो है, हमने लड़ाई में नहीं देखा उधर में नूह में बात में, हमें मणिपुर में नहीं देखा उसमें। स्मृति ईरानी की जो है, स्मृति ईरानी जो है वो पहले शिक्षा मंत्री बना दी जाती है, जब शिक्षा पे सवाल उठाया जाता है तो ये स्वर्णवाद नहीं नज़र आ रहा आपको, और कौन सा वंशवाद चलाओगे तुम? स्मृति ईरानी फ्लाइंग किस का मामला बहुत उठा रही है, क्या ईरानी अपनी सहेली के पति को भगा लाई थी उस पे मामले पे क्या कहो आप? और मणिपुर में तीन नग्न महिलाओं का नग्न गैंगरेप हो गया, स्मृति ईरानी तब कहाँ थी? फ्लाइंग किस से तो जो है, फ्लाइंग किस वाले को तो सजा देनी चाहिए। रावण ने तो सिर्फ किडनैप किया था, उसका जो है बुलडोजर भी चला, उसको मार भी दिया और हर साल उसका पुतला जला रहे हैं, लेकिन ये जो घटनाएं हो रही हैं, जो गैंग रेप हो रहे हैं, निर्भया कांड, मनीषा वाल्मीकि कांड और जो है ना आपकी बिल्किस बानो कांड और जो है मणिपुर कांड, इसके अपराधियों को जिंदा नहीं जलाना दे देना चाहिए जब किडनैप की सजा है। पार्लियामेंट में ऐसे किस करना तो गलत है संविधान के। नहीं हमें जो है, हमें से सबसे बड़ा मामला देखना है, किस करना क्या, या उसकी वो अपनी सहेली के पति को भगा लाई, हमें इस मामले में अभी नहीं पढ़ना है। 50% महिलाओं को जो नग्न घुमाया गया है, तीन महिलाओं को नग्न नहीं घुमाया गया, भारत की 50% महिलाओं को आज हम नग्न अवस्था में देख रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा ये है, मेरे को भटकाओ मत, ना तो हिंदू मुस्लिम में भटकूंगी, ना फ्लाइंग किस में भटकूंगी, ना स्मृति ईरानी जिन्हें जो है अपनी सहेली का पति भगाया उसमें भटकूंगी, और ना उसकी बेटी जो है शराब घोटाले में जो है पकड़ी गई और उसको बचा लिया गया और जिसने किया उसको सस्पेंड कर दिया गया। इस मामले में महिलाओं में इससे दहशत बैठ गई है, जो मणिपुर हादसे कांड जो हुआ है जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, दहशत? हमें तो अपनी इज्जत ही इज्जत नजर नहीं आ रही है, हमें तो ये नजर आ रहा है कि कल मणिपुर के साथ, पहले यूपी में, आज मणिपुर में, कल जो है हमारे घर तक भी आग आएगी, और मैं अपनी बेटी को या मैं खुद जब अपने माँ बाप अपने भाई बहनों के सामने नग्न होकर घूमूंगी तो मेरे ऊपर क्या बीतेगी। तो ये जो है हम जो है दहशत नहीं, हम बिल्कुल जो है फूलन देवी बन चुके हैं, कि जैसे फूलन देवी ने एक सप्ताह उसके साथ गैंग रेप होते रहे लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, उसने आत्महत्या नहीं करी, अब बुलंद हो गए, हमारे कोई कोई हाथ लगाएगा हम उसको मार के छोड़ेंगे। बिल्कुल, मणिपुर से आई आवाज, लाल किले से मोदी जी ने दिया है झूठा भाषण कि मणिपुर में शांति छा गई है, जनता के सपोर्ट में वो खड़े मणिपुर। देखिए मणिपुर क्यों जाते हैं, नूह में बात में ही देखो ना, अभी भी चल रहे हैं वो स्पीकर ले लेके कह रहे हैं, अभी नांगलोई में दिल्ली में चल रहे थे, कहते हैं ओ माइक लेके जो है ना पुलिस स्टेशन के सामने ही दे रहे हैं, ओ भाई हिंदू बचो और ये बचो। राजधानी में है क्या शांति जो मणिपुर में शांति होगी? तो ये मणिपुर में शांति जो है, पता नहीं अडानी को जमीन चाहिए कि क्या चाहिए। इंडियन पुलिस जो है आतंकवादी, जो हिंदू आतंकवादी वहाँ मंदिरों से गोलियां चला रहे थे और उनके प्रोटेक्शन में खड़ी थी, या कैसे स्टिंगन तो उनके भी हाथ में थी लेकिन वो रोक नहीं रही थी। भाई वो तो रक्षक तो जो है सरकार के अनुसार चलते हैं, सरकार जो कहेगी वो करेंगे, अगर वो नहीं करेंगे उसके अकॉर्डिंग तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ऐसा प्रधानमंत्री यदि विश्व के अन्य देशों में होते ऐसे प्रधानमंत्री मोदी जैसे, तो उन्हें कब का इस्तीफा देने के लिए मजबूर हो जाना पड़ता? नहीं 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 नहीं, ऐसा है जनता ही भगा देती, इस्तीफा देने की तो जरूरत ही नहीं पड़ती, जनता ही उनको भगा देती, वहाँ पे पूर्णतः लोकतंत्र है। यहाँ पर अभी भी हम पर विदेशी लोग राज कर रहे हैं, लोकतंत्र है। नहीं यहाँ पर लोकतंत्र होता, लोकतंत्र यहाँ पर होता तो तीन महिलाओं को नग्न नहीं घुमाया जाता, आदमी और पुरुष जो है बराबर होते हैं। जी जी ठीक है। और पुलिस जो है कहाँ चली गई थी पुलिस मणिपुर? भारत संस्कारी देश कहा जाता है, यहीं पर ऐसे कांड क्यों होते? क्योंकि यहाँ पे मनुस्मृति मनुवादी स्वर्णवादी लोग हैं इसीलिए होते हैं यहाँ पर। मैम एक सवाल है, अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, उन्होंने एक थीसिस लिखी और थीसिस में उन्होंने बताया कि किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या हुई, किस तरीके से लोकतंत्र में तमाम लोगों के वोट काटे गए, उसको उन्होंने इंटरनेट पर डाला है और डालने के बाद जो है उनका इस्तीफा मांग लिया गया, तो इसको कैसे देख रहे हैं आप? भाई शंभुक ऋषि को मारा गया, शूद्रों को आप शिक्षा क्यों दे रहे हैं? एकलव्य का अंगूठा काट लिया गया,
कि अर्जुन को श्रेष्ठ बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ऐसा ही होता है, क्योंकि ये मनुवादी लोग जो हैं ये जो है सही को तो गलत बताते हैं और गलत को सही बनाते हैं। सावित्री बाई फुले शिक्षा की क्रांति का क्रांति है, लेकिन वो बताते जो है सरस्वती को है, ठीक है। अब लक्ष्मी जो है आती है, कहते पैसा आता है मेहनत से और टैलेंट से, साइंस से, विज्ञान से, हुनर से, लेकिन ये कहते हैं कि लक्ष्मी की पूजा कर लो तो पैसा आ जाएगा। तो ये सिर्फ जो है भ्रष्ट करते हैं लोगों को, ताकि यहाँ पर असमानता बनी रहे, यहाँ पर गरीबी अमीरी की खाई बनी रहे और यहाँ पर जो है ऊंच नीच का भेद बना रहे। अंजलि हत्याकांड एक ऐसा निर्मम हत्याकांड है जो भुलाए नहीं भूलता, सारे ही ऐसे हैं, लेकिन अंजलि हत्याकांड तो एक बहुत ही ज्यादा दर्दनाक है जो दिमाग से उतरता ही नहीं है। भाई एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी और महिलाएं तो खासकर, ये पशुओं से भी बदतर है। जैसे एक गाड़ी के नीचे पशु आ जाता है, उसके मरे और जिए का कोई ध्यान नहीं रखता है। गए थे वहां से पता लगा वो लड़की भी जाटव है, यानी शेड्यूल कास्ट समाज से बिलोंग करती है, और उसकी फ्रेंड निधि भी, दोनों कम उम्र की बच्चियां थी। मैं क्या कह रही हूँ, हम जो है गवार शुद्र पशु नारी सारे ताड़न के अधिकारी। तो अंजलि का सीन तो है कुत्ता जो है सड़क पर लेटा हुआ है और उसके ऊपर से गाड़ी चली गई, अंजलि के तो चीतड़े कैसे उसकी जो है, अगर हम उसकी वीडियो वायरल कर देना तो ये देश जो है दहल जाए। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी जब तक ये घर से टीवी नहीं निकलेंगे ना, तब तक ये जो है देश में जो है असलियत सामने नहीं आएगी। पुलिस आला अधिकारी की, दिल्ली के पुलिस आला अधिकारी के, हमारी पुलिस निकम्मी नालायक, जब सरकार कह रही है मेरे अकॉर्डिंग चल, नहीं तो तुझे नौकरी से निकाल दूंगा। अब अगला बंदा किस्त भर रहा है, लोन उठा रखा है, बच्चे पालने हैं, तो वो जो है उसके कहे अनुसार नहीं मानेगा। अब हमने शिक्षा के लिए आवाज़ उठाई, हमें सस्पेंड कर दिया गया। कलम कसाई है, ज्योतिबा फुले ने खुद कहा था कलम कसाई बैठे हुए हैं। तो इसीलिए ये जो हमारे वो हैं इतिहास, इन्हें पता नहीं है, तो इसीलिए ये जो है उनका कहना इन्हें मानना पड़ता है। तो हम मान लें कि भारत में मनुस्मृति अभी भी लागू है, संविधान को कम माना जा रहा है और मनुस्मृति को ज्यादा। तो संविधान तो ये जो है ना स्वर्णवादियों के लिए, आपको कौन सा न्याय मिल जाता है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कहा है कि सारे जेलों में जो है 90% SC ST OBC के लोग जो है निर्दोष वहां पर बंद है। हत्या कोई करता है और जेल कोई जाता है, बलात्कार कोई करता है और बलात्कार की सजा कोई और काटता है। तो ये वो देश है जहाँ पर संविधान अभी लागू हुआ है, तो सिर्फ स्वर्णवादियों के लागू हुआ है। हमें तो अब जाज भी मनुस्मृति के तहत ही उसी तरीके से हमारा शोषण हो रहा है। तो जिस तरह मोदी जी ने 15 अगस्त को ऐलान किया है कि नेक्स्ट नियम वही बनेंगे, तो आप इस पर क्या कहेंगे? हाँ देखिए, कैसे ऐलान करना पड़ रहा है कि मैं नेक्स्ट PM बनूंगा। अरे जनता को कहना चाहिए था कि नहीं मोदी जी PM बनेंगे, वो खुद कह रहे कि मैं PM बनूंगा। तो देखिए कितना ग्राफ गिर चुका है, उन्हें खुद बुलवाना पड़ रहा है कि हाँ मैं PM बनूंगा। भाजपा के लोग कह रहे हैं कॉन्फिडेंस है मोदी जी को, देश की जनता पर। पहले तो कहते थे देखिए मोदी के नाम पर, जब दूसरा चुनाव आया इनका, कि मोदी के नाम पर जो है वोट दे दो, मोदी के नाम पे वोट दे दो। आज इन्हें ये नहीं कहना पड़ रहा कि मोदी के नाम, मोदी तो कह रहा है मैं PM बनूंगा। अब मोदी का इतना ग्राफ गिर चुका है कि मुझे अपनी कुर्सी बचानी मुश्किल हो रही है। मोदी मोदी हो रहा है 2024 में, चैनल पे हो रहा है। आज का युवा सोशल मीडिया देखता है, TV नहीं देखता। कैसे कैसे जीतेंगे 2024 का? देखिए कैडर चल रहे हैं, ठीक है, SC ST OBC, आप कॉन्स्टिट्यूशन क्लब देखो, पार्लियामेंट जंतर मंतर देखो, आप जो है किसी भी राज्य में चले जाओ। मैं अभी मुंबई से आई हूँ, पहले ग्वालियर से आई थी पिछले महीने। सब जगह जो है क्रांति छाई हुई है, सब जगह दिख रहा है कि किस तरीके से ये शोषण जो है कर रहे हैं। तो क्रांति को मजबूत विकल्प नहीं दिखाई दे रहा अभी तक, जनता को मजबूत विकल्प जो है, सम्राट अशोक के टाइम पे मोदी बैठा था क्या, जो सोने की चिड़िया बनी थी, जहाँ पे किसी भी घर में ताला नहीं लगता था, जहाँ बहन बेटियों को नग्न नहीं घुमाया जाता था? क्या चंद्रगुप्त मौर्य जो है अखंड भारत का जिसने निर्माण किया था, तो क्या मोदी जी थे क्या वो? ये अहम जो है कोई भी ना पाले कि उसकी वजह से देश चल रहा है। तो मुमकिन है मैम, तो मोदी अगर मर जाएगा तो देश मर जाएगा क्या? किसी भी व्यक्ति के कारण देश नहीं चलता है, इसकी जनता के कारण देश चलता है।